हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू पाइथन लेक्चर्स। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम किस तरीके से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन ऐड टू नंबर्स यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो क्या हम उसी तरीके के पाइथन के कोड्स बना सकते हैं जैसे हम अभी नॉर्मली बना रहे थे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी? तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा कोड होगा दैट विल बी एडिंग ऑफ टू नंबर्स, राइट, यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। राइट, सो लेट अस सी। हमेशा की तरह, क्योंकि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हम लोग सिस मॉड्यूल के जरिए ही एक्सेस कर पाते हैं, तो हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे सिस मॉड्यूल को। राइट, अब उसके बाद रिमेंबर, अभी हम लोगों ने जब पिछला वीडियो देखा था तो उस पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स को इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करवाया था और हमने देखा था जो इंडेक्सिंग है वो जीरो से स्टार्ट हो रही थी और जीरो वाले इंडेक्स पे हमारी फाइल का नाम स्टोर था। राइट, तो अभी अगर मेरे को सपोज कीजिए दो नंबर ऐड कराने, दैट इज वन और टू, तो मैं दो नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करूंगी तो वो दोनों नंबर किस इंडेक्स पे होंगे? इंडेक्स नंबर वन और इंडेक्स नंबर टू पर। राइट, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल हम लोग सम नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं और हम कॉल करते हैं sys dot rgv लिस्ट का पहला एलिमेंट। राइट, जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट है, जीरो एलिमेंट एंड दी फर्स्ट एलिमेंट, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया क्योंकि पहले पे तो प्रोग्राम का नाम होगा। एंड आई वॉन्ट टू एड sys dot rgv लिस्ट का जो सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट लिखा हुआ है एंड सिंपल आई विल बी राइटिंग द सम इज एंड हियर आई विल बी प्रिंटिंग सम। राइट, अब यहां पर हम इसको सिर्फ सेव करेंगे, रन तो हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है तो कंट्रोल प्लस एस के थ्रू इसको सेव किया। वापस से जाते हैं सीएमडी पे एंड दिस टाइम आई शैल नॉट बी गिविंग मोर देन टू आर्ग्यूमेंट्स, तो मैं सिर्फ दो ही आर्ग्यूमेंट देती हूँ, वन और टू। एड होकर आंसर आना चाहिए थ्री, लेट अस सी। हियर आई गॉट आंसर एज 12। नाउ व्हाट इज दिस अ रॉन्ग आंसर और दिस इज लॉजिकली करेक्ट? यस, दिस इज लॉजिकली करेक्ट बिकॉज लास्ट लेक्चर में भी हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि ये जो लिस्ट होती है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में यूज होती है। इनपुट फंक्शन में भी हम लोगों ने यही चीज देखी थी, तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ स्ट्रिंग को तो वो कॉन्कैटनेट करता है, यानी कि मुझे यहाँ पर भी जो काम करना पड़ेगा दैट विल बी टाइप कास्टिंग दीज नंबर्स। तो यहाँ पर हम इन नंबर्स को टाइप कास्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमें इंट फंक्शन जो है वो पास करना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी, हम इसको ऐड सेव करके फिर से कमांड देकर इसको रन करते हैं, तो दिस टाइम आई विल बी गिविंग 1 एंड 2 एज माय कमांड और एंटर करते हैं तो यस नाउ आई एम गेटिंग 3 एज माय आंसर। राइट, तो इसको हम लोग इस तरीके से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो लेट इट बी 10 एंड 20, एंटर करते हैं तो यस आई एम गेटिंग 30। तो यहां हमने देखा कि हम किस तरीके से दो नंबर्स को कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के जरिए भी ऐड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई शैल बी सीइंग यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर।